राजा सिंह गारु अध्यक्ष कुछ ही दिन पहले हमारे देश के लिए पीवी सिंधु ने एक मेडल लाया था और हमारे तेलंगाना राज्य की सरकार ने भी बहुत ही भव्य उनका स्वागत किया, मान सम्मान किया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे एलबी स्टेडियम, निजाम कॉलेज, विक्टोरिया प्लेग्राउंड ऐसे कई स्टेडियम है जहां पर युवा युवती स्पोर्ट्स के प्रति ट्रेनिंग लेते हैं, हर गेम के प्रति। लेकिन एलबी स्टेडियम एक ऐसा एक हब बन चुका है अध्यक्ष, वहां पर फोर व्हीलर व्हीकल्स पूरे वहां पर बनने आ रहे, यानी एलबी स्टेडियम एक स्पोर्ट्स का सेंटर नहीं बना, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया एलबी स्टेडियम। और साथ ही साथ अध्यक्ष मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलबी स्टेडियम जो गेम का जो एक बहुत ही सुंदर जो स्पॉट है उसको सिर्फ गेम के हद तक ही रखना चाहिए और वहां जितना भी जो कमर्शियल जो एक्टिविटी चल रही है उनको तुरंत बाहर करना चाहिए। और साथ ही साथ अध्यक्ष आज विक्टोरिया प्लेग्राउंड और ऐसे कई छोटे छोटे ग्राउंड्स है जहां पर नेशनल इंटरनेशनल बच्चों को तैयार किया जा रहा है और नेशनल इंटरनेशनल में भी हमारे तेलंगाना के लिए मेडल्स ला रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मलेशिया में फेंसिंग गेम हुआ जहां पर 6 गोल्ड मेडल्स आए अध्यक्ष, और ट्रेनिंग करने वाले सिर्फ एक रहीमपुरा प्लेग्राउंड के बच्चे हैं और मलेशिया में जाकर उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। अध्यक्ष मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी जो छोटे छोटे ग्राउंड्स में या विक्टोरिया प्लेग्राउंड या एलबी स्टेडियम में भी जितने भी जो आउटसोर्सिंग पे जो ट्रेनिंग दे रहे कोचेस उनको सिर्फ 6,000 रुपए ही दिया जा रहा, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं उन सभी कोचों को या परमेंट करें या नहीं तो जो 6,000 रुपए जो उनको दिया जा रहा वो 6,000 बढ़ाकर उनको 20,000 रुपए दिया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।